अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के बीच तलवारें खिंची हुई हैं। माना ये जा रहा है कि दोनों पार्टियों के बीच जारी झगड़े को शांत करने के लिए नीतीश कुमार और ममता बनर्जी कोई कदम उठाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और विपक्षी एकता की मुहिम में अरविंद केजरीवाल अलग थलग पड़ गए। नीतीश कुमार आगे नहीं आने की वजह से केजरीवाल को लेकर आरजेडी के उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी का बयान है, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि अरविंद केजरीवाल को किसी ने गंभीरता से ही नहीं लिया, उनका रवैया तानाशाहों जैसा है। विपक्षी एकता की अगली बैठक शिमला में होनी है और ड्राइविंग सीट पर कांग्रेस है। यही वजह है कि इस संबंध में कांग्रेस ने सोमवार को एक बैठक भी की। जानकारों का मानना है कि कांग्रेस की मजबूत पैरवी के चलते गठबंधन तो आगे बढ़ेगा, लेकिन इसमें आम आदमी पार्टी को शामिल किया जाएगा। इसकी संभावनाएं रणनीतिक तौर पर फिलहाल नजर नहीं आ रही हैं। शुरुआती दौर की बातचीत और सियासी संभावनाओं को देखते हुए माना जा रहा है कि सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि और भी कई बड़े राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी का इस गठबंधन में साथ छोड़ सकते हैं। राहुल गांधी ने पिछले लोकसभा चुनावों में अपने पुराने सहयोगियों के साथ मिलकर नतीजे देख लिए, इसलिए राहुल अब इस चुनाव में नए सहयोगियों के साथ मिलकर चुनाव में जाने की मजबूत योजना बना रहे हैं। यही वजह है कि राहुल गांधी इस गठबंधन के लिए चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस की सीटों को नई साझेदारी के तहत रखने की रणनीति बना रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि पार्टी दूसरे राजनीतिक दलों के साथ साझेदारी में कम सीटों पर भी लड़ सकती है। सूत्रों का कहना है कि पटना में हुई बैठक के बाद आगे की पूरी रणनीति को बनाने के लिए चर्चाएं की गई। इस बैठक के दौरान पार्टी के जिम्मेदार नेताओं ने यूपीए का नाम बदलकर पीडीए किए जाने पर भी चर्चा की। पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं का मानना है यूपीए का नाम नहीं बदला जाना चाहिए। इसके पीछे उनका तर्क है कि कांग्रेस की पुरानी सरकारें अपने सियासी गठबंधन में यूपीए के नाम से ही पहचान बनाई है, उसकी चेयरपर्सन सोनिया गांधी है। गठबंधन की मजबूत गांठ लगने से पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच तकरार शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी की ओर से जब अध्यादेश के लिए सभी दलों को अपने पक्ष में खड़े रहने की बात शुरू की गई, तो कांग्रेस में इस पर बैठक में भी आम आदमी पार्टी का खुलकर साथ नहीं दिया। इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से खुलकर बैठक के बाद से आपस में विरोध होना शुरू हो गया। तेवर तो ममता बनर्जी भी दिखा रही हैं और इस बात के पक्के संकेत हैं कि ममता बनर्जी कांग्रेस सीपीएम के साथ बंगाल में कोई गठबंधन नहीं करेंगी। अब ममता बनर्जी बंगाल में ही गठबंधन नहीं करेंगी तो भी उनके साथ होने न होने से क्या फर्क पड़ जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आम आदमी पार्टी की शुरुआत से पैरवी करने वाली ममता बनर्जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पूरे मामले में समझौता करा पाएंगे या वे भी असफल होंगे। सियासी गलियारों में सबसे बड़ा सवाल इसी को लेकर उठ रहा है। ममता बनर्जी और नीतीश कुमार अरविंद केजरीवाल को इस गठबंधन में आखिर कैसे शामिल कराएंगे। नीतीश कुमार और ममता बनर्जी शुरुआत से अरविंद केजरीवाल के साथ में गठबंधन को लेकर न सिर्फ चर्चा कर रहे थे बल्कि उनको अपने साथ जोड़कर चल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की चल रही तकरार में ममता बनर्जी और नीतीश कुमार के लिए धर्म संकट जैसी स्थिति बन रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।